के बाद लाहौल घाटी में पर्यटक साल भर आते हैं। ऐसे में होटल स्थानीय लोगों और होटल कारोबारियों की जरूरत बढ़ने लगी है। पर्यटकों की उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन तक पहुंच तो आसान हो गई है, लेकिन यहां के लोगों तक सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधा अब तक नहीं पहुंची है। लाहौल का मुख्यालय केलोंग अब भी इस सुविधा से महरूम है। लाहौल घाटी पर्यटकों की पहली पसंद है। लाहौल के गांव सिस्सू, कोकसर, केलोंग तक पहुंचना पर्यटकों के लिए आसान हो गया है। अटल टनल के रास्ते सैलानी यहां ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों के बीच भी केलोंग ऐसी जगह है जहां लोगों को अभी सीवरेज की सुविधा नहीं मिली है। साल 2003 ऐसा वक्त था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कस्बे की आवश्यकता को देखते हुए सीवरेज योजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन आज 20 साल हो जाने के बावजूद केलोंग कस्बे को इसकी सुविधा नहीं मिल पाई है। लेकिन अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन और लाहौल में प्रशासनिक बदलाव के बाद लोगों ने एक बार फिर प्रशासन से गुहार लगाई है ताकि उन्हें भी पानी निकासी की व्यवस्था मिल पाए। 2003 में एक प्रपोजल बनी थी इसकी, पर उस दौरान काफी लैंड डिस्प्यूट रहा, कुछ लैंड अवेलेबल नहीं हो पाई इस वजह से। तो अब एक फ्रेश प्रपोजल तैयार की गई है इसकी 26 करोड़ की, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी SBR टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, और वो ऑलमोस्ट तैयार है। और वो फंडिंग के लिए कल DC साहब ने भी निर्देश दिए हैं कि इसको तुरंत सबमिट किया जाए ऐसे, तो इसको हम बड़ी जल्दी करने वाले हैं प्रेजेंट। इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अब लैंड भी अवेलेबल हो गई है और ऐसी कोई है नहीं इसमें। विभाग के अधिकारी की माने तो जल्द ही क्षेत्र की ये समस्या भी दूर हो जाएगी, क्योंकि विभाग नया प्रपोजल बनाकर फंडिंग की व्यवस्था कर रहा है। साथ ही क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीवरेज योजना को अत्याधुनिक तकनीक से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन के इस आश्वासन से एक बार फिर लोगों में नई उम्मीद जगी है। सूर्या समाचार के लिए लाहौल से प्रेमलाल की रिपोर्ट।